गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत ज्यादा डस्टबिन गंदा हो गया है, बहुत ही ज्यादा। आई हूँ घर से, तब से मैंने क्लीन नहीं किया है और बहुत ही स्मेल भी आ रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब डस्टबिन है तो स्मेल तो आएगी आएगी, इसको चमका देना है। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कितना गंदा है, तो बहुत ज्यादा मैला कुचैला था ये कूड़ादान, इतना ज्यादा कि क्या बताऊँ, बहुत ही स्मेल हो रही थी। तो इसीलिए इसको पहले पानी से धोऊंगी, उसके बाद सर्फ डाल डाल के अच्छे से इसको धोना है मुझे। और मैं हम मंथ में एक बार धो ही लेती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर रह जाता है किसी रीजन से तो कह नहीं सकती हूँ, होता है कभी कभी थकान हो जाती है। इसीलिए तो आज मैंने आप लोगों को रीजन भी बताया है कि मैं क्यों उदास रहती हूँ, क्या रीजन है। वीडियो में मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बता दूंगी सही टाइम आने पे, तो आज मैंने बताया है, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा तो आप लोगों को समझ आएगा। गाइस, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों को। तो चलिए आगे थोड़ा सा आप लोग म्यूजिक के साथ एंजॉय करिए, मिलती हूँ आप लोगों से डस्टबिन धोने के बाद। तो यहाँ पे डस्टबिन अच्छे से मैंने धो दिया है, इसको छत पे भी डाल के आना है। तो चलिए फटाफट से पहले नहा लेती हूँ, फिर डस्टबिन डाल के आऊंगी। तो देखिए यहाँ पे नहाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे चादर फैलाने, मतलब डेली बेसिस पे कपड़े धोना तो खैर कंपल्सरी है, वो आप लोगों को दिखा दी हूँ मैं। पहले ही मैंने कपड़े वॉश किए हैं तो अब मैं फैला देती हूँ फटाफट से। और ये जो बार बार आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जैसे कि ना वो फोटो खींच रहा है, तो ये धूप की वजह से हो रही है ना, धूप इधर उधर हो रही है ना इसीलिए। और सामने ही एक स्टील का बर्तन रखी हुई थी ना, तो इसी वजह से उसकी लाइटिंग की वजह से हो रहा था फ्लैश बार बार ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फोटो खींच रही थी बार बार, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से डाल दूंगी सारे कपड़े, क्योंकि ना मुझे सारे कपड़े धो देने हैं, मुझे जाना है और एक भी कपड़े छोड़ के नहीं जाना है।
अकेले वालों का तो यही होता है, मतलब कि करके जाओ, क्योंकि अगर कोई और हो ना, और लोग कहते हैं ना कि ससुराल वालों का आप लोग बुराई करते हो, मैंने बहुत देखा है, अभी चल रहा है ससुराल वालों की बुराई करती हैं। देखो अब जिस पे जो चीजें बीतती है ना वही बोल सकता है वो चीजें। और अगर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर 25 पैसा सच्चे बात होता है तो ही उसमें एड ऑन थोड़ा सा कर लेते हैं लोग, अगर वो 25 पैसा भी अगर गलत हो तो कोई नहीं बोलता है। तो ऐसा ही है कि मतलब ससुराल वालों का तो ऐसा ही चलता ही रहता है, शायद से ही किसी के मतलब अच्छे मिलते हैं, अदरवाइज अभी तक तो सुनने में ऐसा मिला नहीं है। हाँ किसी किसी के अच्छे मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे होते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना पांच उंगली एक जैसे नहीं होते हैं, तो बस वही है। यहाँ पे मैंने अपने ब्लैंकेट्स को मोड़ दिया है रख के, तब जाऊंगी मैं, अच्छे से चुन्नी में बांध दिया है। अब मुझे करना है थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ फटाफट से, भूख भी लगी है बहुत तेज, तो पहले मेकअप कर लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ, तभी खाना खाते हैं हम लोग, सिंदूर लगाने के बाद ही खाना खाते हैं, उससे पहले नहीं खाते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऑयल का रिव्यू भी की हूँ, आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा, ऑयल चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। नीम ऑयल के बारे में बताई हूँ, स्किन ग्लोइंग के लिए और हेयर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिट है ऑयल में, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ऑयल के बारे में मैंने अच्छे से बताया है, ऑयल ओपन करके भी दिखाई हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे सिंदूर में आप फटाफट से लगा लेती हूँ, और यही नाइटी ही पहनी हूँ क्योंकि नहाने के बाद कंफर्टेबल इसी में लगता है, नाइटी में ही, और क्योंकि बाथरूम बहुत छोटा है तो उसमें बनता नहीं है, तो बस फटाफट से नाइटी ले आती हूँ। और मेकअप का सामान मैं अलमीरा में इसलिए रखती हूँ बाबू की वजह से। तो चलिए खाना वगैरह खा के फिर मिलती हूँ आपसे, बैठ के बातें करते। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ, खाना भी खा लिया, मेकअप भी करके ड्रेस भी चेंज हो गया है मेरा, अभी मुझे पीना है कॉफ़ी, काफ़ी टाइम हो गया, आप लोगों को मैं दिखाई भी नहीं हूँ, कॉफ़ी बनाते हुए भी नहीं दिखाई हूँ, क्या करूँ, जगह ही इतना नहीं है कि मैं दिखा सकूँ। और आज मैं आप लोगों को आज इस ब्लॉग में रीज़न भी बताती हूँ, आप लोग बोलते हो कि मैं इतना उदास क्यों रहती हूँ, क्या रीज़न है, तो रीज़न मैं बता देती हूँ फाइनली, कि मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे जाना पड़ रहा है। तो आप लोगों को अब मैं शायद जो ब्लॉग आएगी उसमें मैं वहीं मिलूँगी, और क्या कंडीशन है क्या हुआ है ये सब मैं वहाँ जाके बताऊँगी। लेकिन हाँ कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई है, भाई गांव गया हुआ था वहाँ से लेके आया है पापा को, और डॉक्टरों ने गलत दवाई दे दी थी स्टार्टिंग में, तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए वहाँ मिलूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी। तो रीज़न बता दिया मेरा उदास होने का, यही रीज़न है कि घर में जब कुछ भी हो जाता है तो मन नहीं लगता है। और आप लोग बोलेंगे वीडियो, तो वीडियो बनाना ये मेरा जॉब है, और पैसे नहीं आएंगे तो आगे मैं कुछ भी किसी की भी हेल्प कैसे करूंगी, जब पैसे होंगे तभी तो हेल्प करूंगी ना, और आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ हो गया है, पैसा नहीं है तो आज के टाइम में आप बाहर जाइएगा तो आपको एक गिलास पानी भी कोई देने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की रियली में बहुत ज़रूरत है। तो अभी मैं आप लोगों को एक ऑयल के बारे में बता देती हूँ, ये है ओरिजिन का ऑयल है, ये नीम ऑयल है, हेयर एंड स्किन के लिए, ऑल हेयर टाइप्स के लिए, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है ये ऑयल, मेड इन इंडिया है, 100 ml का है ये। सबसे अच्छी बात है कि इंडिया का ऑयल है और इंडिया का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, होता ही है, ओरिजिन के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सारे मतलब नेचुरल हैं, आयुर्वेदिक हैं। इसकी जो MRP की बात करें तो 447 rupees की है, तो बहुत अच्छा है अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि एक ये वाला ऑयल लीजिएगा तो काफ़ी टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि यूज़ कैसे करना है इसको, यहाँ पे वैसे सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ऑयल भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ऑयल सबसे अच्छी बात है ओरिजिन का, कि सपोज करो ये डब्बा मिक्स हो गया है, बच्चे फेंक दिए कहीं भी, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। और नीम ऑयल पता ही है कितना बेनिफिट करता है, आप चाहे तो अगर जैसे कि मैं यहाँ पे एड ऑन कर रही हूँ कि जैसे अगर शरीर में पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, गर्मी का टाइम आ रहा है, तो आप अगर नहाते हैं तो उस पानी में भी एक दो बूंद अगर नीम ऑयल डाल देंगे तो बहुत अच्छा है। और हेयर में आप लगाइएगा तो और ज़्यादा अच्छा है, स्किन पे आप लगा सकते हैं, स्किन पे लगाने से जो पिंपल्स वगैरह हो जाती है वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है नीम ऑयल के बेनिफिट्स स्किन के लिए क्या क्या है, जो पिंपल्स हो जाते हैं उसके दाग धब्बे हटा देते हैं और पिंपल्स होने नहीं देते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, ग्लोइंग रखता है,
और जो रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं स्किन पे उसको इम्प्रूव मतलब उसको हटा देता है। और जो जैसे कि सपोज करिए मेरे साथ ऐसा होता है कि बाबू ने नाखून मार दिया तो उसका निशान हो गया, तो उसको भी ये हटाने में हेल्प करता है। और हेयर के लिए बात करें तो डैंड्रफ को तो दूर करना ही करना है, क्योंकि नीम ऑयल है, ये हेयर ग्रोथ करता है, हेयर फॉल्स को रोकता है, और जो जुए हो जाती है हेयर में वो नहीं होता है। तो इतने सारे इसके फायदे हैं। और आई कॉन्टेक्ट से दूर रखिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेके आप अपने कहीं पे भी एरिया में चेक कर लीजिए, मतलब 30 मिनट के लिए, कि कहीं आपको खुजली इचिंग कुछ भी होता है तो फिर मत यूज़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 30 मिनट्स के लिए। क्योंकि होता है हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो कोई चीज़ सूट करता है कोई चीज़ नहीं करता है। तो चलिए, होप सो गाइस कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। तो मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। सॉरी कॉफ़ी नहीं दिखा पाई हूँ, कॉफ़ी मुझे पीना है, लेकिन ये ब्लॉग बहुत लेंथी हो गया है। तो मिलती हूँ आप लोगों से।